हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स टीचर श्रीवास्तव। एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9B ऑफ द चैप्टर 9 व्हिच इज रिलेटेड टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 9C। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड मोहन इन्वेस्ट द बैंक इन ऑर्डर टू गेट 1323 इन 2 इयर्स एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। देखिए क्वेश्चन जो गिवन है एक्सरसाइज 9C में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट क्या है यहाँ पर और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। आपसे पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड मोहन इन्वेस्ट, यानी कि मोहन को कितनी मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इन्वेस्ट करने का मतलब है कि क्या, कि हमें सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से अमाउंट गिवन है, आपके अमाउंट कितना गिवन है 1323। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट मनी शुड ही इन्वेस्ट। मनी कौन सी इन्वेस्ट होगी, दैट विल बी प्रिंसिपल वैल्यू। सो एज वी हैव अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, एंड वैल्यू ऑफ ए 1323, and P 1 plus value of R is 5 upon 100 and time kita given at 2 years, so put the value of N. So, okay, now solve it. 5 to the 5 and 5 to the 10, so this will be 1323 is equal to P. Jab aap solve karenge 21 is 20 and plus this will be 21 upon 20 to the power 2. Now P is equal to 1323 and square of 20 is 400. Okay, and square of 21 440. On multiplying goes into divide and divide goes into multiply. अब देखिए अगर इसकी multiply में 3 से कम, तो ये क्या होगा, 3 4 12 carry over, 3 4 12 13, तो ये लिखा हुआ है, यानी कितने time लिखा हुआ है 3 time. Okay, so this will be P is equal to 4 3 12 100, यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि मोहन को कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए थे, 1200 रुपीस, दैट ही विल गेट 1320 रुपीस। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फाइंड द सम व्हिच अमाउंट इज टू इन 2 इयर्स एट 4% कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी फाइंड द सम। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर ऐसा करिएगा, खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्टेन सम अमाउंट टू 1331 इन 1.5 इयर्स एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ वैल्यू डिटरमाइन द सम। क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट इज गिवन 1331 एंड टाइम पीरियड n इज इक्वल टू 1.5 years and rate R is equal to 20% per annum compound interest compounded half yearly, यानी half yearly पे हमें calculate करना है, ठीक है? तो bracket में इसको रख लीजिए half yearly, ठीक है? तो half yearly के formula मैंने आपको बताया था, amount is equal to P bracket 1 plus R upon 200 to the power 2n। ये 200 क्यों हुआ था, बताया था रेट का हाफ कर रहा था, टाइम को डबल, डबल मींस, डबल मींस यहां पे नहीं है, यहां पे जैसे कि यहां पे दिया है 1.5 है तो उसका हाफ, ठीक है? a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 1331, p आपको फाइंड करना है 1 प्लस रेट कितना दिया है 20 अपॉन 200 एंड 2 वैल्यू ऑफ n इज, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन को इंप्रॉपर में, 2 इन द 2 दिस विल बी 3 अपॉन 2 इयर्स। ओके कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल, टू वन जा एंड दिस विल बी एन। सो 1331 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 1331 इज इक्वल टू पी, इसको जब आप सॉल्व करते हैं मतलब 10 10 में 11 अपॉन 10 टू द पावर, अब आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ पी, तो पी कितना हो जाएगा 1331
इसका स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, दिस विल बी कैंसिल आउट एंड वैल्यू विल बी 1000, यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1000। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 इयर्स एट 5% पर एनम इज 50 रुपीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको गिवन है 50 रुपीज। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, यानी आपसे की पूछा गया। ठीक है, रेट कितना गिवन है 5%, R is equal to 5% and time आपको पता है 2 year। देखिए इसके दो मेथड हैं, आप सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिए, देन SI फाइंड कर लीजिए और दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, और P वहां से कॉमन होगा तो उसके इक्वल लगेंगे। लेकिन इसके लिए ट्रिक है या फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं, तो फॉर 2 year याद रखेंगे आप। ठीक है, फॉर 2 years अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट आर अपॉन 100 R upon 100 to the power 2, यहाँ पे केवल 2 ही रहेगा, तो 3 years के लिए पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। तो अमाउंट, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इधर है 50 रुपीज। ठीक है, P आपको फाइंड करना है, R कितना है 5 upon 100 और टाइम कितना की बार है 2 years, तो सॉल्व कर लीजिए, P is equal to 100 into 100 divide by लिखा हुआ multiply और multiply goes into divide, so this will be 5 into 5, okay, 5 5 25, 25 4 are 100, so P is equal to 15 4 are 60, और ये 2 zeros और हो जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सम क्या हो गया 6000। ठीक है, तो आप इसको इस मेथड से भी ला सकते हैं, और जो मैंने बताया आपको, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए और 15 के इक्वल रखिए। ठीक है, और जो भी वैल्यूज दिखा है उनको पुट कर दीजिए, इसमें आंसर मिल जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या गिवन है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विद द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स 5% पर एनम इक्वल टू 50 रुपीज। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट एनम इन कंपाउंडेड ईयरली प्रिंसिपल इज गिवन। अब देखिए आपके जो गिवन है उसको लिखिए, प्रिंसिपल इज गिवन 196 एंड अमाउंट इज इक्वल टू 225 एंड टाइम दिखा रहे आपको 2 years। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, तो रेट देखिए कैसे फाइंड होगा, लिखेंगे एज वी हैव ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर ऑन 100 to the power n, the value of a is 225 is equal to value of b is 196, 1 plus value of r we have to find and value of r is 2, okay, now solve it, 225, अब आप इसको bracket में open करने लगेगा, solve करते हैं, multiply लिखा हुआ 196, इसको आप divide करेंगे, okay, is equal to 1 plus r upon 100 to the power। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसका लिखा हुआ है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 15 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 14, सो वी कैन राइट 15 अपॉन 14 टू द पावर 2। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर ये 14 का है तो इसके ऊपर ये 15 का होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन होगा, ठीक है, 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। अब देखिए पावर क्या है, सेम होगी, अगर पावर सेम होगी तो बेसिस विल बी इक्वल, सो वी कैन राइट 15 अपॉन 14 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। Now we can write 1 plus r upon 100 is equal to 15 upon 14 and value of r की कैसे find करेंगे? देखिए r upon 100 is equal to 15 upon 14 minus 1
एंड दिस विल बी 15 माइनस 14 अपॉन 14। यहाँ पे सॉल्व किया था, देखिए r इज इक्वल टू ये क्या होगा 1 अपॉन 14 डिवाइड में था 100 मल्टीप्लाई में आएगा 2 7 जा एंड 2, सो दिस विल बी 50 अपॉन 7 7 7 जा 49 एंड दिस विल बी रेट कितना जाएगा 7 रूट 1 अपॉन 7। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो इस तरीके से आप सेकंड पार्ट ट्राई कीजिएगा, ठीक है? नहीं लगता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है? जो भी चीज समझ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, 8000 पीस बिकम 9261 इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम CI, find the time, यानी आपको क्या find करना है, time find करना है। तो time कैसे find करना है, लिखा है पहले 8000 PM, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया होगा, bank ने 8000 rupees invest की होगी, आपको bank कितना दे रही है, जो रुपए bank देती है वो क्या होता है amount, यानी कि 9261 आपको ये bank provide करा रही है, ओके? Rate इसका क्या है 5%, R is equal to 5% और आपको find करना है time। formula फिर apply करें, making as we have a is equal to b bracket 1 plus r upon 100 to the power n, value of a 9261, value of b 8000, 1 plus r 5% upon 100 to the power n, okay? 9261 upon multiply goes into divide, जितने भी क्वेश्चन सर लाइन से है मोस्टली इसी टाइप से करना है आपको, प्रिंसिपल को अमाउंट के अकाउंट में लिखना। अब देखिए 5 5 2 20 1 20, दिस विल बी 21 अपॉन 20 टू द पावर, अब मैंने भी बताया था कि इन दोनों के स्क्वायर के जो स्क्वायर होगा स्क्वायर होगा उसका डिफरेंस 1 होगा, तो ये आपको पता है किसका है 20 का, सॉरी क्यूब लिखा हुआ स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है क्यूब रूट इसका होगा 20 का और ऊपर क्या होगा 20 का, नहीं है तो आप उसको फाइंड करेंगे, so this will be cube of 21 upon 20 and 21 upon 20, now bases are same, if bases are same then power will be equal, so n is equal to kitna ho gaya 3। clear hai sabhi students ko? next question dekhiye, question number 8, determine the rate of interest at which a sum of money will become 216 upon 125 times the original amount in 1.5 years if the interest is compounded half yearly। क्वेश्चन की कंडीशन ये क्या दे रहा है, सबसे पहले आपने लिखा है 82 मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन, कह रहा है सम ऑफ मनी विल बिकम्स 216 अपॉन 125 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट, तो अगर यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिखूं 216 अपॉन 125, अभी आपने ये पढ़ा था, ठीक, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ये क्या होता है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक, ये की वैल्यू, तो अगर यहाँ से अमाउंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा अमाउंट इज इक्वल टू 216 अपॉन 125, ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ठीक है? अब आपसे क्या बोल रहा है, टाइम गिवन है आपको 1.5 ईयर, एन इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स, कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि एज वी हैव ए इज इक्वल टू बी 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 2। अब देखिए ए और बी की वैल्यू, चाहे तो आप ए की वैल्यू रख लीजिए या ए अपॉन बी की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, यहां पे 216 अपॉन 125 पी एंड 1 प्लस आर, आर आपको फाइंड करना है, ठीक है, 2 वैल्यू ऑफ एस, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इंस्ट्रक्शन को ही प्रॉब्लम है 2 बन जा 2 दिस विल बी 3 अपॉन 2 ईयर्स, तो से 2 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा मल्टीप्लाई है डिवाइड में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216 अपॉन 125 1 प्लस r अपॉन 200 टू द पावर, ये की पावर क्या है स्क्वायर, अब देखिए पावर 3 है बेस यहां कुछ तो सेम दिख नहीं रहा, तो इसको मैं लिख क्या सकता हूं क्यूब ऑफ 6 और इसको क्या लिखता हूं क्यूब ऑफ 5, सो दिस विल बी 1 प्लस r अपॉन 200 टू द पावर 3,
इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, 6 upon 5 to the power 3 is equal to 1 plus r upon 200 to the power. नाउ केसेस आर सेम, अगर डी सेम होते तो पावर क्या होगी, देखिए सॉरी पावर्स आर सेम, तो पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा, 6 upon 5 is equal to 1 plus r upon 200. आप ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हैं, सेंस ए टू दी पावर है इज इक्वल टू बी टू दी पावर है, देखिए बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, सो दिस विल बी ए इज इक्वल टू बी, ऐसे लिख लीजिएगा ठीक है. सो आर अपॉन 200 इज इक्वल टू, अभी देखिए प्लस का वन एक्स साइड आएगा माइनस, तो 6 upon 5 minus 1 एंड दिस विल बी 5 under 5 1 upon 5 हो जाएगा, और आर अपॉन 200 आज हम फाइंड करेंगे, 200 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई अपॉन 5 5 4, सो आंसर विल बी 40%. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 40%. चलिए एमसीक्यू देख लीजिए, ऐसे करें एमसीक्यूज एंड हॉर्स क्लाइंब रिलेटेड एक्सरसाइज, तो जो नहीं होगा समझ में आएगा तो उसको एक्सप्लेन करूंगा ना. इन व्हाट टाइम विल 2000 अमाउंट दिस एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये क्वेश्चन आप मुझसे करेंगे 9 का, और आंसर बताएंगे मुझे ए बी सी और डी व्हिच वन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम इज 65 का सम इज. सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट पी आर अपॉन 100 टू दी पावर 2. जब डिफरेंस 2 ईयर के लिए गिवन होता है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है. अब ये यहाँ कितना गिवन है, 65 गिवन, पी आपको फाइंड करना है, रेट कितना है 10%, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 पावर 2 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा पी 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, सो पी इज इक्वल टू कितना हो गया 65. सो कौन सा ऑप्शन की करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है ठीक है, इस तरीके से लगाना है, बट आपको प्रॉपर वे में लिखना है इसको कॉपी पे ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम दिस बिकम, तो 2000 क्या है यहां पे प्रिंसिपल है और 2332.80 दिस इज द अमाउंट और टाइम गिवन है आपको 2 ईयर, यू हैव टू फाइंड द ग्रेट ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, हॉट क्वेश्चन देखिए, बोला गया टेस्ला परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 8000 रुपीस, इफ इट्स कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर इज दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अगर स्टार्टिंग की वैल्यू मान ले तो क्या होगा, 8000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन में वैल्यू ए हो गई होगी और ए की वैल्यू है 6480. डेप्रिसिएशन का भी कितना आएगा डिक्रीज, टाइम कितना गिवन है 2 इयर्स ठीक है. हमें क्या पास फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है डेप्रिसिएशन का, तो ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट डेप्रिसिएशन मींस माइनस, ध्यान रखना है सभी को माइनस लगा देंगे तो ए कितना है 6480, पी की वैल्यू अपॉन में आएगी इस पर भी 8000 एंड 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 बन रहा है 8 8 8 64 8 बन रहा, दिस विल बी 80 पर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर, क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, वी कैन राइट 9 अपॉन 10 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2. नाउ बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, नाउ वी कैन राइट 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस साइड प्लस ये प्लस का साइड माइनस, सो r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 10 ओके. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 10 मिलेगा आपको, सो r इज इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइड करना मल्टीप्लाई में आएगा, अगर इस तरीके से इसको ऐसे लिख दीजिए r अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 10 है ना, तो ये मल्टीप्लाई गोज इनटू डिवाइड गोज इनटू मल्टीप्लाई, सो 100 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज एंड एमसीक्यू और क्वेश्चन.
आपका क्या काम है कि एमसीक्यूज के जितने क्वेश्चन मैंने लिंक किए हैं या जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिंक किए हैं उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में और उनको क्लियरली सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके थैंक यू स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द कमेंट।